बच्चे तो अपने गल अपनी पूरी जिंदगी में न्यू चल लेंगे, लेकिन जब अपने आगे बढ़ने का मौका मिले तो इन खर्चा में कटौती नहीं करनी चाहिए। बस यही बात सोच के अपने नए क्लिनिक में शिफ्ट कराया है और फिलहाल क्लिनिक का मतलब है पूछी ना नहाना पड़ गया, क्योंकि पूछी ना पानी जमाए पसंद को नहीं, बारिश की अगर एक बूंद भी इसका लाग जाया करे ना, यो सबसे पहली भीतर बात जाए इसके हाथ पांव पकड़ के नुआया हमने, और उसके बाद इसकी चादर ले आके इसकी देही पूछी ना नुआंदी है, मोहित भी नाद होगी टैंट फैंट होगी तैयार हो गया, मखा आज नए कपड़े गाड़ की कड़े चाल लिया तू, बोला मैंने बोला ना बस मैं तैयार होगी दूध लेने जाऊं हूं, तने के वेरा कितने इंपोर्टेंट काम हो है सवेरे सवेरे। इतनी देर में हमारी आंटी भी आ गई थी और आंटी साथ में आज लेके आई थी मरवा और पुदीना, बोली बेटा आज मैं मरवे की चटनी खुआऊंगी तुमने, मोहित इतने दूध लस्सी लेके वापस आया और साथ में घना ही सामान ले रहा था, बोले आंटी ने भेजा है तेरे खातर स्पेशली, खोल की देखा तो भाई इसमें आलू के पराठे, मखा मोहित ये तेरे खातर आंटी ने बेरा तन्ने घने पसंद है, तो आंधी परांठिया के सींग से संवार दिए गल्ले पी लस्सी, बोले ये मेरा जी नहीं करता मैं तो ये कपड़े बदलू और सोऊंगा थोड़ी बार, फिर इसके हाथ पैर जोड़ के मनाया कि नाना क्लिनिक का काम पूरा करना है पाने, और अनार छिलन की भी कही अनार छोल की देखा तो खराब लिगड़ा है, आंटी ने इतने कुंडी सोटा लेके अपने मरवे की चटनी जमा तैयार कर दी, भोजन करने के बाद मैं तैयार हो जाऊं क्लिनिक जान खातर, जो सामान हमने पैक करा था खान पीन का वो ले लिया हाँ, मैं मखा इतना बड़ा जोड़ा लेके जाऊं आप खान का जिस तरह थोड़े पिकनिक मनाने जाते हो, लेकिन वाह बात है खाए बिना भी कोई जिंदगी नहीं, आप कमाओ भी तो पेट खातर है, और भाई आज स्पेशली हमारे तक मिलन खातर हमारे प्यारे फॉलोवर आ रहे थे, वैसे इन दवाई भी लेनी थी इंतहाया लोगों की फोटो खिंचवाई इनके साथ, और उसके बाद जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा छोटला मोहित पढ़ने लग रहा है, ऐसा ऐसा मौका तो कदे कदे देखने में मिला जिंदगी में, आज तो फिजियोथेरेपी के भी काफी सारे पेशेंट आ रहे थे, क्योंकि भाई फिजियो की जरूरत तो सब नए पड़े है, किसी का आजकल घुटने में दर्द है, किसी का गर्दन में, किसी का कंध्या में, साथ में मेरे स्किन के पेशेंट थे कोलेजन इंडक्शन थेरेपी के, और कोलेजन इंडक्शन थेरेपी के बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली अगर आपका फेस पर छाइयां हो रही हैं या खड्डे पड़ रहे हैं, तो मोहित का फोन आवे बोले एक बार सारे जने नए क्लिनिक पाओ, जो बोर्ड लगाना है मेन आला उसकी थोड़ी सेटिंग सी अलग सी हो रही है, बता दियो भाई तमने जुकर सूटेबल लग गया न्यू लगाओगे, आज अपना यो बोर्ड आला काम तो कम्प्लीट हो जाएगा, फिर इतनी बार में संदीप का फोन आ गया कि जल्दी आ जाओ जी पेशेंट बाढ़ देखने लग रहे हैं, मखा मोहित बाग तू देख लिए मैं तो चल ली, कार्बन फेशियल के पेशेंट थे फिलहाल, और कार्बन फेशियल के भाई ऑयली स्किन में बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इंस्टेंट ग्लो दे रहे हैं, यो हमारा जो संदीप है उसकी जिंदगी में भी फोड़े लिख रखे हैं घने बुंडे, इसकी जिंदगी में डेली कोई ना कोई नया नाटक होया अगर, और आज इसने सारी चाबी गुम कर दी, पांच चाबी थी एक छल्ले में जिसमें क्लिनिक की दो गेटा की चाबी थी, शटर की थी, उसके बाद इसकी बाइक की चाबी थी, तो इसने दवाई बनाते बनाते ने भी दिमाग में चाबियां की बात याद आती कि जी सारी चाबी कड़क हो दी कितनी नई बनवावांगे आप, मैंने इस तरह कही कि घना सामान खिंड रहा है शांति ते सोच ये डब्बे हटा के देख पा जाएगी चाबी, फिर इसने ये डब्बे हटाने शुरू करे भाई आड़े इस डब्बे के नीचे दबी पाई है चाबी, संदीप की चाबी पांदी है मैंने इस तरह कही तो पार्टी देनी पड़ेगी तने, और फिर आ जाए सुखविंदर भैया बोले जी आप आड़ा कैबिन खोल दू, मगा मन्ने क्यों करते बेघर करो दो चार दिन देख लेने दो पेशेंट, नीचे दोबारा ते फिजियो के पेशेंट आ लिए थे, इनका कंधे में काफी दर्द रहा है इस वजह से इनकी नीडलिंग करी गई है, आज छुट्टी का टाइम हो गया था तो सीधे हम पहुंच गए दोबारा अपना नए क्लिनिक पे, तो देखा कि बोर्ड का काम लगभग आधा हो लिया था, सुखविंदर भैया थी पेमेंट करनी थी काफी दिन हो गए भाई न लग गया ने भी के तो पैसे इधर उधर लाग लिए थे, यो मेरी करड़ी बाट देखने लग रहा था, आंधी है बोला तेरे पर्स में कितना माल ले रही है तू, मखा मेरे पर्स पर नजर डालने की जमा भी जरूरत नहीं है, खा जुनसी तने सेविंग कर रखी है उसमें ते दे दे यार न्यू भी तने मेरे 2 लाख रुपए देने हैं, इन लुगाइया का कर्जा कोई नहीं उतार सकता घर में, पहली मेरे पापा गल करया कर दी मैं न्यू, यो पैसा वाला रोड़ा आड़े खत्म करा रही बाज है हमारी प्यारी अंजू जी, हमने जाना था मार्केट क्योंकि घर का और रसोई का काफी सारा सामान हमारा खत्म हो रहा था, अंजू दीदी और मैं सीधे पहुंच जावा हाँ हरमन किरियाना स्टोर पे जो कि जनता मार्केट में है, और इनके तो भाई हम काफी टाइम तक सामान लिया वहाँ बड़ा बढ़िया सामान दिया करें, ये इनका सारा का सारा होलसेल का है, अपना जितना भी किचन का सामान है वो होलसेल रेट में देवे हैं ये, बाकी सारा शादी ब्याह का या कोई फंक्शन का सामान हो वो भी सब कुछ होलसेल रेट पे मिला इनकी दुकान पे, मैं अपनी लिस्ट जान दी भैया थी पकड़ा दी, भैया ने बोले जी के पियोगे कोल्ड ड्रिंक या चाय, मखा चाय पी लेंगे हम तो, भैया ने अपनी एक पर्ची तैयार करी पहले सामान की ताकि सामान लिकड़वाया जा सके, वार होने लग रही थी, फिर भैया ने बताया कि जो चाय बावेगी आप खातर वो अपनी दुकान पर तो चाय पत्ती जाया करे उनका उसका टेस्ट देखियो आप कितना बढ़िया है, यह बात सुन दी हम तो कसूती डालते बाट देखने लगे कोई सी चाय आवेगी उसका टेस्ट देखांगे भाई कितना अलग होगा, अंजू दीदी ने भी अपने सामान की लिस्ट बनवा दी थी और ये भैया जो थे ये निकालने लगे सारा सामान जो हमने लिस्ट में इनती दिया था, कुछ टाइम के बाद हमारा इंतजार खत्म हो जाए और चाय के कप आ जाए, भाई जिस तरह चाय टेस्ट करके देखी कान से खड़े हो गए हमारे तो इतनी स्वाद चाय थी, इन्हें तो जब मैं पूछी भैया मखा या कौन सी चाय है बोले जी ये अपनी दुकान पे मिला है स्पेशली, चलो तो मखा न्यू करो एक पैकेट या चाय पत्ती भी कर दो घर ने भी हम यो टेस्ट लेना चाहूँ चाय का, और जो भी वो सामान लिया उसके साथ साथ भैया ने मारती ये बाल्टी और डब्बे भी दिए, हमने चाय चुए पी इतने सारा सामान हमारा लिकड़ गया था, वो पैक करने की बारी थी जो या तो हमने दुकान
दुकान दिखने लग रही है, या तो आग वाली दुकान है, पीछे इसका बहुत बड़ा गोदाम है जिनमें सारा सामान स्टोर रखे है। ये शादी ब्याह में भाई बहुत सारा सामान जावे है ना, उस वजह से टाइम हो लिया था लगभग 7:15 का। मैं कहा भैया जल्दी से हमारा बिल बना दो, हमने आने लग रही है कसूती वार। हमने अपना अपना बिल पे करा और उसके बाद जो सामान की गठड़ी हमारी बंधी थी वह हमने स्कूटी पे टेक ली। कपड़े लिकड़े थे, इतने अंजू जी की एक फ्रेंड का फोन आ जाए कि मैं भी इससे मार्केट में हूँ, कपड़ा लेने आई थी, कुछ सूट साट तम भी देख लियो। मखा मन ने तो लेने को नहीं, बाकी मैं चाल पड़ूंगी आपके साथ। कपड़े वाली मार्केट में भी मैं पहली बार आई थी और भाई ऊपर ऊपर जाके यह दुकान थी, इसकी पैड़ी बहुत भीड़ी भीड़ी थी, मसा सी ऊपर चढ़े हम, बाकी कपड़ा तो ठीक ठाक था इनके पास। जो अंजू दीदी की फ्रेंड थी उनने एक दो सूट पसंद कर रखे थे, बोली लाओ तमने भी दिखा दो, इनमें तो फाइनल करवा दियो। तो भाई इनने जो सूट पसंद आया हमने भी वो ऐसा ही लग गया। सारा सामान लेके हम चाल पड़े अपने घर का नहीं वापस, और रास्ते में पा जाए अपनी फाटक बंद, क्योंकि यो तो अपना रोज का काम है, चाहे कितना ही टाइम नोट कर लिया फिर भी कोई ना कोई माल गाड़ी या सवारी गाड़ी आड़े गली कर दिए पावा हमने। तो घर ने पहुंचे तो थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो थी, और भूख भी थी सेवैया की, पर्टिकुलर भूख लगन लगी आजकल, अगी मिठे की भूख है, नमकीन की भूख है, इसलिए हमने आंधी बनाई अपनी सेवैया। और सेवैया बनने में भाई जल्दी बन जाए, टाइम तो लगता को नहीं। उसके बाद ऊपर ते गेरा इनमें घी और साथ में बूरा आ रहा की अलग अलग प्लेट में डाल ली। मखा नीचे चलेंगे पूनम दीदी के पास बैठ के खावांगे अपन सारे जने। तो जी हम सारे जने नीचे पहुंच जावा, बैठ के सब ने अपनी अपनी सेवैया खाई और जमा मजा आ गया खा की। तो जी इसी के साथ व्लॉग खत्म करा हां, जय राम जी की। व्लॉग ने शेयर जरूर करियो, बढ़िया लग गया हो तो। हाँ चैनल ने फॉलो जरूर कर लिया करो, ताकि सारी अपडेट आपने मिलती रहे, रोज के व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे।